किया है ये पुराना रखते थे अंदर, ये पुराना नहीं है, ये सब नया है। देख अगर ये काम ये नहीं जमा करती तो आज इसको इतना मेहनत नहीं करना। तो ये देखिए मेरा ये एंगेजमेंट गर्ल यही है जिनको मैं बोली कि अभी जा रही हूँ। बाबू हंसो, थोड़ा हंसो हंसो। चैनल सोनम विश्वकर्मा आरके में आप सबका स्वागत है। तो जय श्री राम, कैसे हैं आप सब बताइएगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी अभी से ये दोपहर का टाइम है, सब कुछ हो गया है, नहाना धोना खाना पीना सब कुछ हो गया है, उसके बाद से ब्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। और एक ये देखिए, ये जो भाग के गई कि नहीं देख लीजिए, छिप रही है, उसका एक चीज दिखा रही हूँ। ये रहा इसका मोजा, हमारे भाषा में मोजा ही कहा जाता है। तो और ये सब इसी ने ही साफ किया, देखिए झाड़ू भी रखी है। और इसका स्टोरी बता रही हूँ क्या किया है इसने। आ जाइए सब ना, पहन पुराना ऐसे फेंक देगी कहीं पर भी, अब बोलेगी कि मोजा नहीं है फट गया, ऐसे बहाना मार देगी। और एक खरीद के इतना सारा हो गया। तो एक दिन मेरा बेटा उधर साफ कर रहा था तो वही सब निकाला है। तो इसकी सजा यही है कि अभी वो दोपहर में पूरा धोएगी, पूरा उसको वाइट करेगी, और फिर उसको, क्योंकि मैं बोलती हूँ निकाल दिया कर, तुरंत निकाल के उधर रख दिया कर ताकि मैं धो दिया करूँ। ये जमा कर और मैं बोल रही थी कि इतने सारे मतलब सूट खरीद रही हूँ, मोजा खरीद रही हूँ, क्या हो रहा है इसका। स्कूल जाएगी तो बोलेगी मम्मी नहीं है, कम से कम 5-6 जोड़ा खरीदे हैं हम। अच्छा क्या बोल रही है, बोल होता है इसको जाने पहन के जाती हूँ। हाँ यही गंदा वाला ना, नहीं तो साफ वाला कहाँ से आ गया सब कुछ, तो जब यहाँ पर ये तो लेती हूँ मैं साफ वाला धो लेती है। तो ये किस, ये कौन किया है, ये पुराना वाला रखते थे अंदर, ये पुराना नहीं है, ये सब नया है। देख तो यही है इसका क्वालिटी, मतलब निकालती नहीं है कपड़े, पलंग के उधर पड़े रहेंगे सब। मेरा बेटा बल्कि ठीक है, वो जो चीज भी पहन लगा ना उसके बाद इधर निकाल देगा या खुद धो, अब तो ज्यादा मेरे को बोलता नहीं है, खुद धो लेता है, क्योंकि ठंडे दिन में थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम होती है पानी से, तो वो धो भी लेता है। चलो वो बात, चलो निकाल भी देती तो एक बात होता है, इसका कपड़ा इतना जमा हो जाता है ना, इतना इतना धोना पड़ता है पूरा, एक नंबर की। चल धो उसको, हंस क्या रही है, धो सप्लाई ऐसे ही धोएगी क्या। तो ये देखिए ये कर रही है महारानी, अगर ये काम ये नहीं जमा करती तो आज इसको इतना मेहनत नहीं करना पड़ता। ये सब गाइस ये सब देखिए मुनगा पेड़ का सब गिर जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर धोने अच्छा जगह है धोने उने के लिए धूप में ठंडी दिन के लिए, लेकिन ना पूरा गिर जाता है तो झाड़ू से साफ करना पड़ता है। ये देखिए हमारा बाहर का मतलब ये झाड़ू का कंडीशन, ये झाड़ू का कंडीशन थोड़ा ठीक नहीं रहता है, क्योंकि बाहर का ये इसी टाइप का सब झाड़ू करते हैं, और हमारे यहाँ ऐसा झाड़ू मिलता है उड़ीसा में, और किसी के यहाँ मैं नहीं देखी हूँ। मैं मेरे यहाँ देखी हूँ और एक दो जन के, मतलब उड़ीसा में मिलता है, छत्तीसगढ़ में भी ऐसा झाड़ू मिलता है, ये देखिए ऐसा। और ये देखिए इसको, चल चल धो 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 दे धो दे धो अब ऐसे ही खोल के रख देती है। तो आप ही ना बोलते हैं ऐसे खोल के रखना, तो ऐसे ही रख देती है, खोल के रखना नहीं, ऐसे खोल के जब तू पहन लिया कर तो उसको खोल के रखा था। आइए फ्रेंड्स मैं दिखाती हूँ झाड़ू नया वाला, एक इधर पड़ा हुआ है तो मैं दिखाती हूँ कैसा मिलता है। ये देखिए ये पूरा नया है, इसको बांधना पड़ता है, देखिए तो इधर पीछे टंकी मेरा भर गया था, वो चालू की थी, पूरा धूप पूरा है। तो चलिए और आज शनिवार है, शाम को बाजार भी जाना है, तो और देखती हूँ क्या क्या दिखा पाती हूँ ब्लॉग में, ठीक है। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। किचन में और अपने लिए खाना निकालना, क्योंकि मेरा खाना नहीं हुआ था, सबका हो गया था, तो चलिए दिखाती हूँ।
तो ये मैंने कढ़ी बनाया था, चावल सब्जी थी पहले की ही, बस गर्म की थी, थोड़ा सा अपने लिए रखी हूँ, वो भी नहीं खाऊंगी, कढ़ी बनता है तो मैं नहीं खाऊंगी, तो ये मैंने अपने लिए निकाल लिया है। और आज मेथी, सूखी वाली मेथी से मैंने छौंक लगाया है कढ़ी पर, और दही डाला है, और मैं कढ़ी थोड़ा ज्यादा ही लेती हूँ। तो ये देखिए मेरा, तो इसको मैं ले चल के बाहर में खाऊंगी, बाहर में धूप में बैठ करके, चेयर पे बैठ करके खाऊंगी। ये देखिए मेरा मीठा, उसको पकौड़ी दी थी मैं कढ़ी वाला, वही खाया है, बाद में दूंगी चावल और कढ़ी। महारानी जी अभी भी धो ही रही है। हाँ, ये हमारा कचरा का बाल्टी है, इधर ही रहता है, इधर नहीं दिखाऊंगी, इधर से देखिए। तो इधर हल्के हल्के धूप पड़ रही है और मैं इधर बैठ करके खाऊंगी। तो चलिए खाते हैं, उसके बाद से फिर देखती क्या दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, उसके बाद से मैंने खाना खा लिया, उसके बाद से मेरे बच्चों का ट्यूशन का टाइम हो गया था, 3 बजे था शनिवार को, तो 3 बजे वो गए थे, उसका दोस्त सब आ गया था, तो उसके बाद से मैं जाके गेट बंद करती हूँ। और उसके बाद से नेक्स्ट डे का, संडे का डे का थोड़ा सा क्लिप है इसमें, सगाई भी थी एक, मतलब मेरी बेटी दोनों बच्चों का, मैडम का, ट्यूशन मैम का, तो दूसरा दिन सगाई भी था और ये भी था। तो इसके बाद से मैं, आज का ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और ये संडे का दिन का क्लिप है, तो मेरी बेटी का बाल इतना मतलब हो गया है कि नहीं, वो खुद से धो नहीं पाती है, तो खुद से धोती है तो गंदा ही रह जाता है, साफ से नहीं हो पाता है, तो मैं बाहर में ही धूप में, ऐसे भी मैं धूप में उसका बाल सिर्फ धो देती हूँ आजकल, क्योंकि धूप में अच्छा लगता है, बाथरूम में जल्दी वो जाना नहीं चाहती है, तो वही धो रही थी। और मैं कटोरी में थोड़ा उसका बाल भी झड़ रहा है, तो एलोवेरा जेल, एलोवेरा और आंवला वो सब का रस को मिला करके शैम्पू में और कर रही थी, जो कि बहुत अच्छा ट्रिक है, अच्छे से अब बाल उसका बहुत कम हो गया, तो इधर अंडा भी बोल रहा है, और एंजॉय कीजिए। सगाई है, मतलब सगाई है, तो हम माँ बेटी ही जा रहे हैं और बाप बेटा घर में ही रहेंगे, आज संडे है। तो और एक चीज दिखा रही हूँ, आज मेरा बेटा अंडा का सब्जी बना रहा है, टेस्टी लग रहा है, ये देखिए, आज इसका पूरा तका देख लीजिए, ये देखिए। तो एक्चुअली मेरा आज सुबह से सर भी दर्द दे रहा था और लेट से भी उठी थी, तो ऐसे भी ठंडे दिन में लेट हो ही जा रहा, तो लेट हो गया खाना, सब्जी रह गया था, तो मैं उसको बोली कि वो बना लेगा, सब बता दी वो बना लेगा और हम चले पार्टी। चलिए, अगर वहाँ दिखाने का पूछ लूंगी पहले, अगर दिखाने का जरूरत रहेगा तो दिखाऊंगी, नहीं तो सीधा आके मिलती हूँ, ठीक है, तो फिर मिलती हूँ। हाय, ये एंगेजमेंट गर्ल यही है जिनको मैं बोली कि अभी जा रही हूँ। हाँ, बता के वहाँ से ब्लॉग का स्टार्ट करते ही आ रही हूँ। और ये हमारी, मतलब मेरी बेटी का टीचर भी है, उन्हीं का एंगेजमेंट, सब आए हुए। ये देखिए, और इधर ये बाबू, हाय बोलो, हाय सब कोई हाय बोलो, हाय। और इधर ये बाबू, स्वीट स्वीट, हाय बाबू, दिखाई बाबू, हंसो थोड़ा, हंसो हंसो, तो फ्रेंड्स, सगाई का वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा, इसके बाद का ब्लॉग में आएगा, सब एक साथ देना ये नहीं आसानी है,
तो इसी के साथ आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट बाय।